हिली डिस्टिक कैसे ही अब सब। आज हम लोग खेलेंगे हेनरी स्टिकमैन और इसमें हम लोग एक चोर बनना है और सबसे पहले हम लोग को इसमें एक बैंक लूटना है। हाँ, मुझे ना लूटना। चलो हम लोग बैंक के बाहर पहुँच चुके हैं, अब हम लोग को इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढना है। पहले अंदर जाए कैसे? दोस्तों मेरे पास कुछ गैजेट्स हैं, हम लोग उनसे अंदर जा सकते हैं। मेरी पर इनमें से कौन सा लेना सही रहेगा? वही तो सोचना है। तो गाइस एक्सप्लोसिव्स तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि इससे बहुत तेज शोर होगा और पूरा बैंक इधर ही आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है चौवाल सही रहेगा क्योंकि हम लोग उससे नीचे से खोद के बैंक के अंदर जा सकते हैं। देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। चलो 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 चलो। ये क्या है? लाइट जलाता हूँ। गैस कैन? मुझे लगता है हम लोग को टेलीपोर्टर यूज करना चाहिए। चलो देखता हूँ इससे क्या होता है। अरे मैं तो हिल रहा हूँ। ये क्या, मैं तो दीवार में ही फंस गया। दोस्तों मुझे तो अब लग रहा है लेजर यूज करना है हम लोग को क्योंकि इस लेजर से हम दीवार को काट के आसानी से अंदर जा सकते हैं। और ये हो गया। अब तो हमें एक्सप्लोसिव लेना होगा। चलो ठीक है, इसको भी यूज कर लेते हैं। चलो फिर धीरे धीरे इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अरे ये क्या, ये तो गिर गया। अब हमें डिस्गाइज यूज करना होगा। ये पैसे की बोरी है, चलो हम लोग इसमें घुस के छुप जाते हैं। चलो फिर देखते हैं इस भोंदू का आइडिया काम करता है कि नहीं। मुझे इस प्लान के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये पैसों की बोरी यहाँ कहाँ से आई? मुझे लगता है ये हमारे बैंक की है। चलो फिर इसको वापस अपने बैंक के अंदर रख देते हैं। देखा, अब हम लोग बैंक के अंदर घुस जाएंगे। देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। चलो इस बोरे से निकलते हैं और सारा पैसा उठा लो। जल्दी जल्दी आ। ये क्या? और दोस्तों हम लोग यहाँ पर पकड़े आ चुके हैं। यहाँ पर तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है। अरे दोस्तों ये क्या, हम लोग तो जेल में ही फंस गए। ये तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो। ये क्या है? चलो इसको खोल के देखता हूँ। अरे इसके हम लोग क्या करेंगे? अरे दोस्तों उसके अंदर कुछ है। ये क्या है? इसके अंदर भी गैजेट्स हैं। जरूर डोरेमोन ने ही भिजवाया होगा ताकि हम लोग इनका यूज करके इस जेल से भाग सकें। चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले को यूज करके देखते हैं। इससे खिड़की तोड़ के बाहर कूद जाएंगे और भाग जाएंगे। अरे जल्दी कर जा। 2000 years later। अरे हो गया, चलो चलते हैं। अरे ये क्या? अरे कितना टीचर गेम है, जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा ही हो रहा है। चलो अब रॉकेट लॉन्चर लेके देखते हैं। हाँ, उससे हम जेल से निकल जाएंगे। और ये मुड़ो। हाँ, ये क्या हो गया? अरे ये क्या, तो वापस आ रहा है। अरे तुम सब नूब हो, मुझे समझ में आ गया क्या करना है। अरे पागल मसा, जब हम लोग दरवाजा तोड़ सकते थे तो तुमने खिड़की क्यों तोड़ा? अरे शिनचान बाहर गार्ड्स होंगे। अरे उनका हम देखना क्या हल करेंगे। अरे कितना टाइम लगाओगे, जल्दी जल्दी करो ना, बाहर भी जाना है। हो गया। अरे बापरे, मारो जल्दी इन गार्ड्स को। अरे वहाँ लगे रहो, तुम लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। चलो दोस्तों यही अच्छा मौका, यहाँ से भाग लेते हैं। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, अंदर भागते हैं। अरे अच्छा हम बच गए। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे यहाँ क्या, यहाँ तो चेयर और ग्रेनेड रखे हैं। चलो दोस्तों ग्रेनेड ले लेते हैं और बाहर वाले गार्ड को उड़ा देते हैं। हमारा सुनचान बॉम्ब तो अंदर आ गया है। तो दोस्तों अब तो यहाँ पर बस चेयर ही बची है, तो फिर उसी को यूज करके देखते हैं। हाँ चलो उससे ऊपर चढ़ते हैं। चलो राइट साइड चलें। चुप रहो मसा, लेफ्ट साइड चलेंगे। शायद लेफ्ट साइड बाहर जाने का रास्ता भी हो सकता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये कहाँ गिर गए? चलो आपके बाहर राइट साइड चलते हैं। अरे वाह, हम लोग तो छत पे आ गए। अरे अब तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मसाओ ही है। चलिए मसाओ सर जी, अब आप ही बताइए कि हम लोग इस बिल्डिंग से नीचे कैसे उतरे। हाँ चलो जेट पैक से उड़ जाते हैं। चलो फिर देखते हैं। ये क्या, इस भोंदू ने तो हमें वापस से उसी जेल में पहुँचा दिया। मुझे पता चल गया है, पैराशूट यूज करना है। ठीक है फिर ये भी देख लेते हैं। ही, मुझे तो लग रहा है कि मसाओ ने इस बार सही बताया ही। हमारा दोस्त है, कैसा पैराशूट है, खुल नहीं रहा। अरे मेरा सामान गिर गया। अरे कितना बेकार आइडिया है। मसाओ अब तुम कुछ मत बताना, मुझे पता है रोप यूज करनी है। देखो मैं जो कर रहा हूँ बस वही करते रहो। देखो मैंने रास्ता बना दिया है, चलो अब इससे चलते हैं। आ, मेरे हाथों में लग रही है। नुबुता कोई बात नहीं, हम इस जेल से तो निकल ही गए। देखा मेरा आइडिया कभी बेकार नहीं होता। गाड़ी कहाँ से आ गई? बस एक ऑप्शन बचा है, चलो इसी को यूज करते हैं। चलो यही यूज करके देख लेते हैं। अरे ये क्या है, तो सही में काम कर रहा है। इधर मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ हम बच गए, ये। लेकिन अभी हम लोग एक और चोरी करेंगे। सुनो सुनो सुनो, ये डायमंड है पूरे $100 million का और ये है हमारे म्यूजियम का सबसे महंगा डायमंड। अरे वह इस टीवी पे तो बहुत अच्छी खबर आ रही है। पैसा ही पैसा होगा, चलो जल्दी लौट लेते हैं। और हाँ, इस वीडियो को हटाना नहीं, पूरा जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 1xBet के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें आप प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हैं और आपको फर्स्ट डिपॉजिट
डिपॉजिट पे मिल सकता है $100 तक का बोनस। जरूर लिंक पिन कमेंट में है। दोस्तों ये रहा म्यूजियम। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अंदर छुप छुप के जाएं और दूसरा वाला पता नहीं क्या है। एरियन में चुपके थोड़ी ना जाएंगे, हम लोगों को दूसरे वाले से जाना चाहिए। चलो फिर देखते हैं इस ऑप्शन से क्या होता है। ये क्या, इससे तो हमें एक गाड़ी मिल गई। अब तो हम लोग तहलका मचा देंगे। तो फिर चलो दोस्तों चलते हैं डायमंड लेने। हाँ चलो चलते हैं। अरे रुका, मुझे डर लग रहा है। एरी चुप चलो चलते हैं। एरी हड्डियों सामने से हटो 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 हटो। अरे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, चलो फिर किक करते हैं। एरी हम तो गिर गए। चलो फिर बीच वाला ट्राई करते हैं। ये ले। अरे वाह शिनचैन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सामने तो दो लोग हैं। अरे भागो। हेलो कंट्रोल रूम, दो लोग घुस गए हैं। जल्दी सिक्योरिटी को भेजो। अरे सामने तो और भी लोग हैं। फिर से ऑप्शंस मिले हैं, क्या लेना चाहिए? बाकी कुछ तो समझ नहीं आ रहा, शीट ले लेते हैं। अरे ये लोग तो गोली चला रहे हैं। अरे वाह हम लोग तो बच गए। ये क्या, ये तो सोता ही रह गया। अब तो हम लोग एकदम प्रोफेशनल चोर हो गए हैं। अरे वाह हम लोग डायमंड के पास आ चुके हैं। अरे तुम लोग डायमंड को कैसे ले जाएं? मुझे लगता है हम लोग को बास्केट लेनी चाहिए, उसमें लग के ले जाएंगे। चलो रख लेते हैं, ये तो बहुत भारी है। आ, आ। चलो दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। हम लोग इस चीज को अपने कान में बांध के ले जा सकते हैं। अरे कान नहीं है। क्या कहा, म्यूजियम में चोर घुस आए हैं? हाँ सुना था मैंने भी यही है। हाँ तो हम लोग को अपनी नजरें तेज रखनी होंगी। अरे उन्होंने तुम्हें देखा ही नहीं। अरे वाह हम लोगों ने तो डायमंड चुरा लिया। लेकिन ये क्या, हमारे पीछे पुलिस कहाँ से आ गई? अरे फिर से दो ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से कोई एक ले लो। चलो उनके ऊपर पत्थर मारते हैं। और ये रहा पत्थर, इसको उठाते हैं और ये लो। अरे ये क्या, इसको मारने से तो और पुलिस हम लोग के पीछे पड़ गई है। लगता है हेलीकॉप्टर से भी आ गए। अरे कैसी बची, इन दिनों में से क्या ली, टिकी भी नहीं लेते हैं। चलो करता हूँ। अरे ये क्या, ये तो मेरे हाथ से छूट ही नहीं रहा है। बबल से भी देख लेते हैं क्या हो गए। अरे ये क्या हो रहा है, हम लोग तो बबल के अंदर घुस गए और हमें तो कोई गोलियां भी नहीं लग रही। ये कैसा बबल है? अरे अपने कम तो हो ही गया। सामने तो टनल है, ये हेलीकॉप्टर उसमें नहीं आ पाएगा, हम लोग बच गए। अरे अभी ब्रिज कैसे टूट गया? अब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अरे हमें जाने दो जाने दो हमें। अरे तीनों ऑप्शन में से कौन सा चूज करें? डायमंड लेते हैं, हमें तो वही चुराना है। अरे हम लोग तो डायमंड के साथ नीचे गिर गए। ये हम कहाँ आ गए? और ये क्या, सामने तो डायमंड है। इसका मतलब हम लोगों ने डायमंड चुरा लिया। ये अरे तुम लोग को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम लोगों ने बहुत चोरी कर ली और आखिर हम लोगों ने तुमको पकड़ ही लिया। और अब तुम लोग को हम लोग के लिए एक काम करना होगा। अरे क्या करना होगा? वो देखो आगे एक एयरशिप है और इसमें एक चोरों की गैंग भी है। हाँ चोरों की गैंग? और हाँ उन लोगों ने हमारा एक बहुत ही महंगा रूबी चुरा लिया है, तो तुम लोग जाओ और हमारा रूबी वापस लेकर आओ। ठीक है चलो चलते हैं। इस एयरशिप में घुसने के लिए हम इन चार में से कैसे लग करें? मुझे तो लग रहा है कि इस गन से आना सही रहेगा। एरी हम तो पहुँच गए हैं। यहाँ तो पहुँच गए हैं, पर इसके अंदर जाने के लिए हम इन चारों में से कैसे लग करें? चलो बम लेकर देखते हैं। एरी तो बहुत बड़ा हो रहा है। अरे बाप रे हम लोग तो इसी में डक जाएंगे। ये क्या हो गया, चलो देखते हैं इस वेट वाले से क्या होता है। अरे ये क्या दोस्तों, बाहर कोई आया है। चलो घुस गए। अरे वहाँ इधर तो सामने एक पाइप है, चलो उसके अंदर से घुस जाते हैं। लेकिन ये कहाँ खुलेगा, मुझे तो डर लग रहा है। हम लोग कहाँ, अरे वो रहा सामने तो रूबी है। अरे दोस्तों पर हम तो इस साइड आ गए हैं। चलो फिर उधर चले जाते हैं ना। दोस्तों रूबी तो उधर ही साइड है, तो हम लोग को सोचना है कि हम लोग उधर कैसे जाएं। वैसे तो टेलीपोर्टर काम करता नहीं है, लेकिन एक बार यूज करके देख लेते हैं। कैश इस बार हमें उस साइड टेलीपोर्ट कर दे। हाँ हाँ जा। अरे यहाँ क्या होने लगा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे यहाँ हम लोग कहाँ पहुँच गए, टेलीपोर्टर ने फिर से काम नहीं किया। अरे तो क्या अब हम लोग उड़ के जाएं? हाँ चलो यही ट्राई कर लेते हैं, इसमें उड़ने वाला ऑप्शन भी है। अरे वाह काश ये काम कर जाए। अरे वाह हम लोग तो बच गए। अरे वाह चलो जल्दी जल्दी चुरा लेते हैं। चलो फिर अंदर चलते हैं, यह कोई नहीं है। लेकिन ये क्या, सामने तो एक लॉक है। तो अब इसको भी हमें 1 बिलियन IQ लगा के खोलना होगा। इसको खोलने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मुझे लगता है हम लोग इसको जादू करके खोल सकते हैं। चलो मैं जादू करता हूँ। अरे और जा, इसने तो मुझे ही बर बना दिया। इरी दोस्त नीचे का ऑप्शन पेपराइजर, उसको यूज करके देखते हैं। अरे ये इससे क्या हो रहा है, इससे तो हम लोग पेपर बन रहे हैं। लेकिन पेपर बन के होगा क्या? पता मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे अरे ये क्या हो गया, हम लोग तो नीचे से निकल आए। अरे वहाँ चलो जल्दी से इस रूबी को उठा लेते हैं। अब लेकिन इस रूबी को कैसे उठाए? अरे हम लोग को तो ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों ये ग्रीन वाला ना डोरेमोन का गैजेट है, इससे हम लोग किसी भी चीज को छोटा कर सकते हैं। चलो मैंने इसे छोटा कर लिया है, चलो अब इसे ले सकते हैं। ये क्या, सीसीटीवी ने तो हमें डर दिया है। तुम मेरी स्पेसशिप में कहां से आए? एरी सॉरी सॉरी एरी सॉरी। ये लो ये उन अंकल ने हमें कहां उठा के फेंक दिया। अरे हमारे साथ ही पुलिस वाले आ गए, लेकिन ये हम लोग के ऊपर क्यों फायर कर रहे हैं? अरे हम लोग के ऊपर नहीं, स्पेसशिप को तोड़ रहे हैं। हम लोग इनकी गोली से कैसे बचे,
मुझे समझ आ गया है, हम लोग आर्मर पहन लेते हैं। चलो तो जल्दी से यहाँ से भाग कर ये रूबी पुलिस वालों को दे देते हैं। अरे इस आर्मर को पहन के तो हम लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है, हम लोग तो नीचे गिर रहे हैं। अरे नुबिता देखो उन्होंने आर्मर पूरे बॉडी में पहना है, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं होना। अरे ये क्या, वो एयरशिप भी नीचे गिर रहा है, हम लोग भी गिर गए। रूबी सही सलामत है और वो एयरशिप भी गिर गया। ये क्या, यहाँ तो युद्ध होने लगा, चोर और पुलिस सब आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ तो पुलिस वाली साइड से और भी लोग आ रहे हैं। पुलिस वालों ने सारे चोरों को खलास कर दिया ही। ले लीजिए सर, आप अपना डायमंड ले लीजिए। अरे इसको तुम ही रख लो। अरे वाह। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक और साथ में कमेंट भी कर देना। लेकिन देखो ये रूबी तो प्लास्टिक का है। और हाँ, वन एक्स बेट को भी चेक कर लेना।